नमस्कार, स्वागत है आपका जीएन भारत में। मैं कीर्ति सिंह और आज हम आपको बताएंगे कि अब ड्राइविंग लाइसेंस के वजह से लोगों को नहीं खाने पड़ेंगे पुलिस के डंडों की मार, क्योंकि 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पुराने नियम और आने वाले नए नियमों से आप सभी को हो सकते हैं बहुत सारे फायदे। लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा कैंसिल किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस का डिस्क्रिप्शन अब पोर्टल माध्यम से दिया जाएगा, जिसे हम समय समय पर अपडेट भी करवा सकते हैं। सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि एक इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, ई चालान और गाड़ियों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाएगी। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा रहे हैं तो अब आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी, जिसमें 1 अक्टूबर से लागू होने वाले तमाम पोर्टलों की जानकारी को सुरक्षित रखा जाएगा। इस नियम का पहला प्रावधान ये है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए कर सकते हैं, और इस बात को ध्यान में रख के करिएगा कि आपके बगल में बैठे ड्राइवर का दिमाग डाइवर्ट ना हो सके। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगता है। गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स की जाँच कर रहे किसी पुलिस कर्मचारी या अन्य अधिकारियों की पहचान और इंस्पेक्शन का समय पोर्टल में दर्ज हो जाएगा, जिससे आपकी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस, किसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से अपने नाम चेंज करवाने के लिए केवल आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखना यह है कि 1 अक्टूबर के बाद इस पर सरकार की क्या नई प्रतिक्रियाएँ आती है और इससे आम लोगों को कितनी सुविधा होगी। इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए जीएन भारत के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।